डायनासोर को पकड़ लिया, अब वो ऐसे चिल्ला रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक फॉर न्यू ब्लॉग। आज करते हैं नए दिन की शुरुआत और आज मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो। तो कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है यूनिवर्सल स्टूडियो का, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। और कल जैसा कि ब्लॉग एंड किया था मैंने, कल आके मैं सो गया, उसके बाद आज अर्ली मॉर्निंग किया यहाँ पर ब्रेकफास्ट, तो उसका वीडियो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कल मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाऊंगा। सेम ही होता है रेगुलर, और मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है यहाँ। अभी मैं आ गया हूँ होटल के नीचे, ये है होटल की रिसेप्शन और ऐसा कुछ है ये होटल। होटल का नाम है वैल्यू होटल जिसमें मैं रुका हुआ हूँ, और ये है होटल का रेस्टोरेंट, और बाहर कुछ ऐसा नज़ारा, चमचमाती हुई सारी कारें और हाई राइज बिल्डिंग जो की है पब्लिक सोसाइटी। मतलब मैं आपको बता दूं, जो रात को मैंने बताया भी था आपको कि गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए ये बना के दिए हुए हैं कि लोग रोड पे ना रहें, तो उनके लिए ये पूरी हाई राइज बिल्डिंग बना रखी है और इनमें पब्लिक को फ्लैट्स दे रखे हैं, जिससे पूरी कंट्री के अंदर कोई भी जो बेघर ना हो, तो बेघरों के लिए पूरे घर हैं। और ये 1/3 अमाउंट पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है हाउस, तो ऐसा कुछ है इनकी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव। और दूसरा, इसको ग्रीन सिटी भी कह सकते हैं क्योंकि हर जगह इवन रोड की साइड में भी आपको हरियाली ही हरियाली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पोल्यूशन के मामले में भी बहुत बढ़िया है कि नॉन पोल्यूटेड सिटी है पूरी की पूरी, कि यहाँ पे आपको ना कोई शोर शराबा और पोल्यूशन ना के बराबर मिलता है। तो आज से स्टार्ट होती है अपनी ट्रैवल जर्नी, क्योंकि कल मैं आया था यहाँ पे, और जो भी एडवेंचर रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेकर क्योंकि सिंगापुर मेरे लिए भी पहली बार है। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं सिंगापुर को, और अभी चलेंगे बस में। सबसे पहले आज करते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो को एक्सप्लोर। बस ने छोड़ दिया यहाँ पे, और ये है यहाँ की पार्किंग, और पार्किंग का रेट सुन के आप शॉक हो जाओगे, $40 है यहाँ की पार्किंग। मतलब इतनी महंगी पार्किंग होती है। फाइनली पहुंच गए यूनिवर्सल स्टूडियो। ये है आइकॉनिक लोगो जो यूनिवर्सल स्टूडियो का है, मोस्टली लोगों की पिक्चर्स आपने इसी पे देखी होंगी। तो यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, तो यहीं पे आके लोग अपनी फोटोज वगैरह कराते हैं, मलेशियन फूड्स की शॉप वगैरह वहाँ पे। तो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ मिलती हैं हमें यूनिवर्सल स्टूडियो। पहले यहाँ पे फ़ोटो कराते हैं, फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको। तो अंदर घुसते ही आपको, मतलब अगर पीछे मुड़ोगे ना तो हॉलीवुड दिखेगा, और ये है पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो। मतलब एक तरीके से जो यूनिवर्सल स्टूडियो है उसी की सारी चीज़ें दिखाई है, सिल्वर स्क्रीन जैसे उसी के अंदर आता है, और इसके अंदर मोस्टली जो कार्टून्स वगैरह वाली मूवी हैं वो सारी आती हैं, तो वही सारी चीज़ें दिखाई हैं और उसी थीम पे। जैसे सिल्वर स्क्रीन स्टोर है, इसमें कैंडीज वगैरह हैं, तो इसमें हर तरीके की कैंडी मिलेगी। और यहाँ पे जो कैंडीज हैं उनके प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे चलो ये तो बर्गर वाली कैंडी है, नॉर्मल जो कैंडी है वो है $2.50, मतलब ₹150 की एक कैंडी ये है। ऐसे करके चॉकलेट कैंडी वगैरह सारी मिलेगी आपको, जो भी आप खाते। लेकिन च्युइंगम बैन है सिंगापुर के अंदर। और ये आ गया, ये नट्स वाली चॉकलेट कैंडी, ये $3 की। तो जो भी आप देख रहे हैं, जैसे 3.85, तो इसको इंटू कर लो ₹62 से, तो आपको प्राइस निकल के आ जाएगा। वैसे मैं आपको स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। तो ये है हर्सेस, तो उसकी चॉकलेट का स्टैचू बना रखा है और उनकी चॉकलेट चाहिए।
पूरे स्टोर के अंदर चॉकलेट ही चॉकलेट और कैंडी ही कैंडी है। ये देखो अलग अलग। ओके, ये फ्राइड एग लाल, इसमें नॉन वेज भी है चॉकलेट्स के अंदर, तो इन्होंने अलग से मेंशन कर रखा सारी चीज़ें। अभी कैंडी वाली शॉप ये थी सिल्वर स्कीम, और अब चलते हैं पांडा के पास। ये मोक्स बहुत ज़्यादा पसंद करता है पांडाज मूवी, तो वो उसको हक कर रहा है। तो अभी चलते हैं इसमें, ये सेसमी स्ट्रीट। तो यहाँ पे कीचेन और कुंफू पांडा के आर्टिकल्स हैं यहाँ पे, उसी से रिलेट करते हुए कुछ ना कुछ, कुंफू पांडा हो गया, अलग अलग मूवी से। ये देखो ये जुरासिक पार्क, तो जुरासिक पार्क वाली थीम पे सारी चीज़ें उधर। फिर ये सेसमी स्ट्रीट वाली थीम पे, ये सारे का सारा बच्चों के लिए सबसे बढ़िया है। अगर आप बच्चों को लेके आए तो सबसे बढ़िया वो कुंफू पांडा 4 वाली थीम पे। तो अलग अलग थीम पे अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ। ये देखो मोक्स को रोबो पसंद आ रहा है। बड़ा यूनिक सा स्टोर जिसके अंदर सारी चीज़ें थीम बेस हैं। अगर आपको जो भी थीम पसंद आती है, क्योंकि मैंने कभी ये देखे नहीं तो इसलिए मेरे को पता नहीं, लेकिन जैसी जो भी मूवीज़ या शोज़ हैं उन्हीं के नाम पे ये सारी चीज़ें उन्हीं से मिलती जुलती। जैसे ट्रांसफॉर्मर्स ये मैंने देखी है इसलिए मेरे को पता है, उसी बेस पे ये प्रिंटेड टी शर्ट्स, और टी शर्ट है $40 की। ये है यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, और उसी के बेस पे ये आगे आपके टॉवल, उन पे भी यूनिवर्सल सिंगापुर, और ये भी टी शर्ट्स वगैरह, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है भाई। ये $38 की है, वो $42 की थी, तो मतलब $30 से नीचे है ही नहीं। ये देखो बच्चों की भी $38, तो एक्सपेंसिव तो है सिंगापुर। अगर ये इंडिया में भी होता तो ऐसी जगह पे एक्सपेंसिव होता ही है, कि आप किसी टूरिस्टिक प्लेस या ऐसी जगह पे गए हो तो वहाँ पे तो ज़रूर एक्सपेंसिव होती है सारी। अब ये आगे हम पिंक कलर, इट मीन्स ये किसी डॉल का सेक्शन है, आप लोग जानते हो, तो इन्हीं के बेस पे ये पूरा पिंक स्टोर। और ये डॉल है, मेरे को नहीं पता इनका नेम क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, तो हेलो किटी, आई थिंक किटी नेम है इनका, तो किटी के बेस पे हेलो किटी, किटी के हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रखी हैं। और अब आते हैं आगे, आगे चल रहा है कुंफू पांडा का शो, मतलब सब इसके साथ फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं। तो ये लग रहा है सच में कुंफू पांडा। तो यहाँ पे पूरी लंबी लाइन लगी हुई है कुंफू पांडा के साथ फोटो खिंचाने के लिए। अभी चलते हैं और आगे, मतलब बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। बेसिकली यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बच्चों के लिए सारी चीज़ें हैं, बच्चों के शोज वगैरह भी है। शो टाइम है 12:30, 4:45 और 6:30 पे शो भी होता है इसके अंदर। और मतलब कार्टून की जितनी भी मूवीज़ वगैरह हैं उसकी थीम पे सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। और बाकी मैं दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें। ये देखो होटल एम्पायर वाली बिल्डिंग बना रखे है, ये पता नहीं क्यों भीड़ लगी हुई है। ये वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल कितनी $4 की है, वाटर बॉटल 250 रुपये की एक वाटर बॉटल, जो भी 500 ml की, 1 लीटर तो वो भी नहीं। ये गिफ्ट एम्पोरियम, इसके अंदर गिफ्ट्स वगैरह, मतलब बच्चों के लिए सबसे बढ़िया बना रखा है। ये कॉफ़ी शॉप, रेले कैफे,
ये रेस्टोरेंट ओल्ड थीम पे सारी चीजें, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। ये साउंड के लिए देखो कितना बड़े बूफर वगैरह, ये यूनिवर्सल का जो साइन आता है, यूनिवर्सल स्टूडियो में जब साइन आता है वैसा ही। ये द मार्टिन ऑटोमार्ट्स। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. जो मैंने शो दिखाया आपको वो था कार्टून्स वगैरह के लिए शो था, अब ये नहीं पता कि उसका चेंज क्या नहीं था। और अभी कोई राइड है तो वो करने चलते हैं, तो सभी जा रहे हैं राइड्स के लिए। डेंजर सा लग रहा है क्योंकि डेंजर जोन पता नहीं क्या क्या ये ट्रांसफॉर्म वाला नेस्ट बना रखा है। Behind you. Got it. Mission to go. Come on, let's get out of this city. अब आ गए इस वाली राइड पे, देखता हूँ कि ये भी करूँगा या नहीं। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए करने के लिए। क्राउड इतना आता है, बहुत ज़्यादा क्राउड आता है यहाँ पे ये राइड। ये देखो कितनी जबरदस्त राइड है। अभी रोलर कोस्टर वाली राइड करके आ गया, बड़ा ही मतलब अच्छी थी राइड। अब चलते हैं नेक्स्ट राइड, जो है ये जो आपने देखा होगा कप्स वगैरह ये मूव होते रहते हैं आपस में, तो ये वाली राइड तो आप लोगों ने इंडिया में भी देखी होगी, लेकिन ये वाली तो भाई बिल्कुल आफत है। और बच्चे आसानी से कर लेते हैं, बड़ों के लिए तो जान आफत हो जाती है, लेकिन ये आप इजीली कर राइड ऐसे होती है। अभी आ गया मैं मम्मी वाले रोलर कोस्टर, मतलब यहाँ पे था मम्मी जैसे मूवी शूट हुई थी उसी पैटर्न पे ये सारी चीजें बनाई, इजिप्ट वाला कॉन्सेप्ट।
तो अभी देखते हैं कैसा क्या रहता है। हॉरर सा लग रहा है सारी चीजें। रिवेंज ऑफ मम्मी ऐसे करके एक राइड है, उसके अंदर से अभी आया हूँ मैं। मतलब सारी की सारी राइड एक से एक है, मतलब आपको बहुत मजा आएगा राइड्स करने में। लेकिन मेन क्या है, अगर किसी का दिल कमजोर हो तो भाई अंदर जाना ही मत, क्योंकि सबसे ज्यादा डरावनी है सारी की सारी राइड्स। मतलब इस तरीके से कराते हैं कि आपको मतलब डर लगेगा ही लगेगा। तो जिसका दिल कमजोर है वो मत करना, लेकिन A1 है अगर किसी को ट्राई करनी है तो, और बच्चों के लिए अमेजिंग। लेकिन यहाँ पे वो हाइट वगैरह नापते हैं, तो हाइट जो इनके स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज वो बच्चों को अलाउ नहीं करते, लेकिन करने लायक है राइट। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे पकड़ लिया एक डायनासोर, तो वो देखो कैसे कर रहे हैं डायनासोर। डायनासोर को पकड़ लिया, अब वो ऐसे चिल्ला रहा है। हर जगह कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए भाई सॉरी, बिल्कुल मतलब कहीं की भी वीडियो नहीं बना पाता एक्टिविटी जो भी होती है, क्योंकि कैमरा अलाउ ही नहीं होता कहीं पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ फावे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा।
ये रेस्टोरेंट इधर और इधर ये देखो फेरी वर्ल्ड मोक्स 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 अभी मोक्स एंजॉय कर रहा है इस वाले व्हील में। वो देखो यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं जो बच्चों के लिए भी हैं और बड़ों के लिए भी। बड़ा ही अमेजिंग है यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। मतलब हर जगह राइड्स हो रही हैं, जहाँ भी आप जाओगे उसी तरीके की। जैसे अभी फार फार अवे में ये फेरी वाली राइड आ रही है, जिसने ये कार्टून्स देखे हैं ये मूवीज देखे ना उसको अच्छे से समझ में आएगा। मतलब पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो बहुत ही अच्छा बना रखा है और बहुत ही बढ़िया है। मतलब फुल ऑन पैसा वसूल है। ये देखो कितना बढ़िया, ये कार्ट भी पूरी वुडन की लग रही है। अभी मैं जा रहा हूँ फेरी वाली राइड में जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, तो देखते हैं अगर कैमरा अलाउ कर देते हैं तो आपको फेरी में भी घूमते हुए वीडियो दिखाता हूँ, नहीं तो बाहर से तो दिखाई सकता हूँ। मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा कि ये राइड नहीं दिखाने दे रही। मतलब पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर देते हैं जैसे ही आप अलग उसमें जाते हो दूसरी फेरी में, तो अलग ही लुक बहुत ज़बरदस्त है। दिन के अंदर अभी बैठ के हम राइड करेंगे। तो अभी ये वाली राइड होगी है और गुड न्यूज़ ये है कि इस वाले में कैमरा मैंने निकाल लिया और ये वाली राइड पूरी सूट होगी। तो ये वाली दिखाता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये देखो ऐसे करके जाती है ये और बहुत ही अच्छी लगती है राइड। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा है सारा सब कुछ यहाँ पे और कितने सारे इंडियन आते हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। मतलब वर्थफुल है जितने का भी है। फाइनली मैं प्राइस आपको या तो मैंने बता दिया या मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा कि फाइनली कितने का है, लेकिन अमेजिंग है कि सारी एक्टिविटी सबसे बढ़िया और जो इनका एक्टिविटी कराने का तरीका है वो भी सबसे बढ़िया और सेफ्टी मस्त और सारी चीज़ें बढ़िया हैं यहाँ पे। अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे एक्टिविटी करनी है वो भी है और मतलब हर चीज़ है। बच्चों के लिए तो फैबुलस है। आप आओ तो मस्ट विजिट करना ये यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर। और ये जो लास्ट वाली राइड थी इस पर भी वीडियो नहीं बनानी थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। और अब होगी शाम, शाम को निकलते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो से। और सबसे मेन बात कि एक बारी यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर आप आ गए तो उसके बाद सारी की सारी राइड्स आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पैसे देने पड़ते हैं राइड्स वगैरह के लिए, कोई अदर चार्ज नहीं। सारी राइड्स एक बारी पैसे दिए आपने एंट्री हुई उसके बाद सब कुछ उसी में इंक्लूड है। ये नहीं कि बाहर गेट पे भी आप एंट्री लो फिर उसके बाद यहाँ भी पैसे दो, बिल्कुल भी नहीं। अंदर कोई भी राइड और
ये भी नहीं, एक बारी करो, दो बारी करो, तीन बारी करो, कितनी बारी भी करो, सारी राइड्स फ्री हैं और कैमरा वगैरह सारी चीजें अलाउ हैं। लेकिन जब आप ऐसी राइड्स पे जाते हैं जहाँ पे आपका कैमरा डैमेज हो सकता है, तो उस पर आपको कैमरा अलाउ नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ है और सच में अमेजिंग है यूनिवर्सल स्टूडियो। और कल का दिन, कल सुबह मॉर्निंग में शुरुआत करते हैं न्यू व्लॉग की, और अभी व्लॉग को करेंगे एंड। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैं दोबारा से एग्जिट करता हूँ और अगर कुछ रहेगा तो वो चीज़ें कवर करके तभी मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा। लेकिन बहुत ही बढ़िया था। फाइनली अभी हो गया है यूनिवर्सल स्टूडियो क्लोज और आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। तो ये है शाम का व्यू, शाम को ऐसा व्यू हो जाता है और सारे स्टोर, सारे शोज, राइड वगैरह क्लोज हो गई। अब जाने का टाइम हो गया घर सब लोगों का और हमारा होटल, तो अभी करते हैं यहाँ से एग्जिट। दोस्तों फाइनली अभी मैं निकल चुका हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो से, और मैं आपको बता दूँ इस यूनिवर्सल स्टूडियो की टिकट प्राइस है $83 पर पर्सन। तो ये आप अपना इंडिया के हो गए 5,200-5,300 रुपये के करीब। तो 5,200-5,300 रुपये के अंदर भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, मतलब प्राइस वाइज ज़बरदस्त है। और मे भी कोई एजेंट वगैरह जो आपको लेके आए तो उनको बोलना, हो सकता है ग्रुप पे डिस्काउंट भी आ जाए। अदरवाइज अगर कोई सिंगल आ रहा है तो उसके लिए भाई यहाँ पे आके ले सकते हो $83 के अंदर, पर पर्सन टिकट है। और इतनी सारी राइड्स, इतना बढ़िया मतलब इंटीरियर है अंदर, और सारी चीज़ें सबसे बढ़िया। और खाने का एक अंदर कोई रेस्टोरेंट है, उस पर आपका खाने का जो लोगे तो वेज बिरयानी आपको मिल जाएगी $16 की। मतलब खाना डिपेंड ऑन यू कि आप क्या खाते हैं, जैसे समोसा लोगे वो $6 का है, तो ऐसे करके है। लेकिन ज़बरदस्त व्यूज़, ज़बरदस्त एक्टिविटी, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। पर्सनली मैं बोलूँगा कि जब भी आप आएँ तो यूनिवर्सल स्टूडियो ज़रूर आना, क्योंकि सबसे बढ़िया है यूनिवर्सल स्टूडियो। अभी चलते हैं अपनी बस की साइड, क्योंकि बस लगी होगी अपनी बेसमेंट के अंदर, तो बेसमेंट में है बस खड़ी होगी अपनी। वही सुबह इसी एक्सीलेटर से हम ऊपर चढ़े थे, अब इसी एक्सीलेटर से नीचे जा। और मस्ट विजिट प्लेस है, और सिंगापुर में आके मेरे को सच में दिल खुश हुआ। फर्स्ट डे था और फर्स्ट दिन बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी मतलब रिश्वतखोर वगैरह कुछ भी नहीं है, और सच में बहुत ही पोलाइट है सारे लोग यहाँ के। आप खुद भी आके आप देखोगे तो बड़ा ही मजा आएगा आपको। तो अभी चलते हैं रेस्टोरेंट पे और मैं करता हूँ आज की वीडियो को क्लोज।